हमें पता नहीं था कि बुलेट ट्रेन कितना टाइम लेती है, ये हम लोगों ने बाद में देखा है, गूगल बाबा से पूछा कि भाई हमें बताओ, हम लोग जानना चाहते हैं। तो मैं भी ये बात सोच रही थी कि एक एक सेकंड से आपके रिकॉर्ड बनते हैं, और जिन लोगों ने काम करा था वो एक एक सेकंड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ना। तो 100 किलोमीटर की गति ये ट्रेन महज 52 सेकंड में पकड़ लेती है, और जैसा नाम है ऐसा इसका काम है, वंदे भारत एक्सप्रेस। यस, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन 52 सेकंड, मेड इन इंडिया, वंदे भारत एक्सप्रेस ब्रेक्स बुलेट ट्रेन रिकॉर्ड। तो यहाँ बुलेट ट्रेन के रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो जा रही है। तो देखिए इसी चीज़ पे आज का मिक्स मैसिव रिएक्शन। आपको मेरे रिएक्शन देखने में मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और एक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंडिया अभी वंदे भारत का थर्ड वंदे भारत निकला हुआ है, जिसमें से वो 180 किलोमीटर हाई स्पीड है, जो मैक्सिमम हाई स्पीड है वो 180 किलोमीटर, और वो 30 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, मतलब अभी ट्रायल उसका हुआ है तो 30 सितंबर को स्टार्ट होगा, और वो मुंबई से लेकर अहमदाबाद के रूट पर चलेगी, तो देखते हैं। और एक उसमें एक शॉक न्यूज निकला है कि जो शॉक न्यूज हम लोग बोलते थे वही निकला है कि 0 to 100 किलोमीटर जाने में सिर्फ 52 सेकंड ले रहे। और उसका 180 किलोमीटर पर आवर ट्रायल हुआ है, जिसमें 180 किलोमीटर है मैक्सिमम हाई स्पीड उसका। और ये देखो ग्लास भी रखा है, लेकिन एक पानी में नहीं बूंद गिर रहा है। मतलब इंडिया ने इतना रेन को इतना डेवलप कर दिया है कि अभी ये हर महीना एक एक करके निकलेगा या दो करके निकलेगा, तो न्यूज़ के बारे में पता चल रहा है। तो देखते हैं आगे उसका कितना निकले और हम लोग को कितना प्राइस पड़ता है जो जाने आने में। मतलब हर महीने 2 से 3 ट्रेन निकलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, बुलेट की जरूरत क्यों है? बुलेट मतलब और अगर यही और अगर ये अगर यहाँ पर भी 180 किलोमीटर पे पहुँच गए तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी और कोशिश करने के बाद ये 200 तक अभी मुझे याद है इतना स्पीड, और उसका मैक्सिमम स्पीड है 180 जो ट्रायल लिया है 180, और ये मुंबई से अहमदाबाद की जो रूट है उसमें वो आएगा। तो इसे कहते हैं सचमुच में गजब भी ढा दिया, मतलब लिटरली यार ये बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है इंडिया में। मतलब तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा विकसित होगी चीज़ें, तो शायद ये बुलेट ट्रेन का और भी बिंदास तरीका हो जाए। अभी तो जापान को लेवल लाना, जापान का तो बहुत हाई लेवल है बुलेट ट्रेन का, तो अभी भी वहाँ तक पहुँचना और फिर उनका भी रिकॉर्ड तोड़ना। तो ये थी आज के हमारे मिक्स मैसिव रिएक्शन। आपको मेरे रिएक्शन देखने मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल सब्सक्राइब जो करना, मिलते दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।